नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल। में हूं आपके साथ महेश जैन। वक्त की खबर आ रही है नीमच से, जहां नीमच की नारकोटिक्स विंग शाखा ने अवैध डोला चूरा की तस्करी को लेकर चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत कार्रवाई करते हुए 308 किलो अवैध डोला चूरा सहित दो पंजाब के तस्करों को धर दबोचा। नारकोटिक्स विंग शाखा के उप निरीक्षक रऊब खान से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर जेतपुरा फंटे पर एक पंजाब पासिंग ट्रक को रोका और उसकी तलाशी ली, तो ट्रक के अंदर साइकिल के पार्ट्स के अंदर 11 कट्टों में अवैध डोला चूरा 308 किलो छुपा कर रखा गया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नारकोटिक्स विंग शाखा ने ट्रक को जब्त किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 308 किलो अवैध डोला चूरा जब्त करा। वहीं आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जहां टीम ने नारकोटिक्स विंग शाखा नीमच की टीम ने आज दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। मामले में कई और तस्करों के नाम सामने आ सकते हैं। आरोपी डोला चूरा कहां से भरकर लाए थे और कहां देने जा रहे थे, पुलिस इस मामले की पूरी जांच में जुट गई है। के माध्यम से मुझको सूचना मिली कि पंजाब का जसप्रीत सिंह उसके साथी गुरसेवक के साथ उसके खुद का रजिस्ट्रीकृत ट्रक पीबी 11CB2499 से साइकिल के ऑटो पार्ट्स के बीच में डोला चूरा के बोरे रख के ले जाएगा और पंजाब तरफ जाएगा, तो मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके ये जेतपुरिया फंटे पे पुलिस सुविधा के हिसाब से नारकोटिक्स विंग के सामने ही हमने एम्बुश लगाकर साथी कर्मचारियों के साथ उस ट्रक को रोका और उसको चेक किया, तो साइकिल के ऑटो पार्ट्स के बीच में 11 बोरों में 308 किलो डोला चूरा छिपा कर रख के ले जा रहा था। एनडीपीएस के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करके इनसे डोला चूरा जब्त करके इनको गिरफ्तार किया है। दो आरोपी हैं इसमें, जसप्रीत सिंह और गुरसेवक सिंह, दोनों पंजाब के हैं, पटियाला के। एक मुलजिम को जसप्रीत सिंह का पुलिस रिमांड लिया गया है 21 तारीख तक का, और क्लीनर था वो गुरसेवक, उसको ज़्यादा जानकारी नहीं थी तो उसको जुडिशल रिमांड पे भेजा गया।